इसके अंदर चीनी भी है, पत्ती भी है। बच्चे चाय के लिए रोते हैं, दूध के लिए रोते हैं बच्चे। अब बताओ ऐसा पानी पिला पिला के हम अपना टाइम पास कर रहे हैं। और मोदी और केजरीवाल दिल्ली में, ऑल इंडिया में मशहूर है कि हर गरीबों की हम सहायता करेंगे, मदद करेंगे, किसी बात की परेशानी नहीं आने देंगे। अब वो गरीब इतनी परेशान है, अब वो कहाँ जा रहे हैं मोदी केजरीवाल, क्यों नहीं मदद कर रहे वो अब। आज हम यहाँ तुगलकाबाद दिल्ली के किले के साये में, ये एक पुरानी झुग्गी झोंपड़ी बस्ती है। सामान्य वक्त में भी बहुत गरीबी यहाँ रहती है। रोगरी का सामान है, आजाद मार्केट से लाते हैं हम। पहले टब बाल्टी बेच के पुराने कपड़े खरीद के वो बेच के फिर हम अपना गुजारा चलाते थे। बाजार लगते है, वहाँ पे कोई गाड़ी पहुँचने वाले कपड़े होते है, ऐसे बयान होगी, बड़ी बड़ी गाड़ी होगी, वो पहुँचने के लिए कपड़े ले जाते हैं, कोई मशीन में फैक्ट्री में वो कपड़े ले जाते हैं। बाल्टी टब वाले को अपना पैसे भर के अपना बचता है 1000-1500 रुपये, हमारे बच्चों को चाय पानी के लेने देने के लिए काम कार्य चल जाता था हमारा। तो मेरे बूढ़ा अंधा है, भीख मांग के खाते, और बहु बेटे कपड़े बीनते थे, वो देते 20 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, जैसा माल दिखता है जैसा लेता है। होता है एक दिन में 50 रुपए भी कमा लेते, बच्चे ओन औरते ओन 100 रुपए भी कमा लेते, खर्चा चला लेते, क्या करें। लोग बताते हैं कि अलग अलग तरीकों से उनका रोजगार चलता है, कोई राजस्थान के गाँव से आए हैं, कोई मध्य प्रदेश के गाँव से है। हम रोटी खाने वाले सर, चावल तो खाते भी नहीं हम, फिर भी हम मजबूरी में खाने पड़ रहे हैं। गर्मी भी बढ़ रही है, पुलिस उनको धकेल के कहता है कि आप घर के अंदर रहें, घर एक छोटी सी झोंपड़ी में असहन हो जाता है, इतने सारे लोग तंग तरीके से, और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का तो सवाल ही नहीं है, मक्खी हैं, मच्छर हैं, तो वो निकलते हैं तो पुलिस उनको भगाता है, भगाते हैं। लाइट नहीं आती है, मच्छर बहुत खाते हैं, क्या करें। हाँ, गर्मी होती है, पन्नी डाल रखी, पन्नी की भी गर्मी हो जाती है, रात भर घबराते रहते बच्चे बच्ची सब। पानी देखो भाजी, यहाँ से पार्क के अंदर जो पेड़ पौधों के अंदर पानी देते हैं ना, वो पानी भर के लेके आते, वो इधर भी नहीं भरने दे रहे पार्क के अंदर, इधर भी नहीं भरने दे रहे। अपने टैंकर को बोल बोल के हाथ पर जोड़ो, टैंकर मंगवाए, उससे पानी भर भर के बैठे हम 4-5 दिन से। मैं 10-12 दिन में आज ना आया सर, क्या करूं। हाथ धोना तो दूर, सिर्फ खाने पीने के लिए जितने पानी की जरूरत है उतना पानी भी, खाना पकाने में या पीने में जितने पानी की जरूरत है वो भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। आप जो राशन दे के गए थे वही खा के बैठे हुए, वैसे तो चावल आते हैं कच्चे पक्के चावल वही खाते, बीमार हो जाते बच्चे। कितने लोगों का परिवार है?
भूख कहीं दूर नहीं है, भूख तो आज हम देख रहे हैं इन घरों में, भूख आज वर्तमान में 3-4-5 दिनों से कई लोगों ने कहा है कि वो खाना नहीं खा पाए हैं। जो थोड़ी बहुत सहायता मिल रही है उससे बहुत कुछ दिनों तक उनका काम चल रहा है। अंदर तेल था, अंदर हल्दी मिर्ची वगैरह, अंदर सब कुछ आटा चावल सब थे, तो हमारा 15-16 दिन निकल गए थे उनसे, इसीलिए हम याद कर रहे थे कि वो भैया आ जाए, कोई हमारा खाने का लिए राशन पानी दे जाए तो वो टाइम निकल जाए। जब से इन्होंने सुना है कि लॉकडाउन और बढ़ गया है, बहुत बेचैनी है कि हम लोग कैसे इन दिनों को गुजारेंगे। क्या करें बहू जी, इसका माल की हम क्या पूजा करें, अब जब हमारे बच्चों को रोटी नहीं है तो ऐसे माल को आग लगाए बहू जी, हम क्या करें, इसको बेच के दाल बच्चों को दाल रोटी को गुजारा तो करते थे बहू जी, बिल्कुल जाने नहीं दे रहे, गए आने नहीं दे रहे। हमारी तरफ से मोदी को हम जो ऐलान दे रहे केजरीवाल को कि हमारी अब जो कोरोना बारिश से इतनी परेशानी हो रही है, हमारी मदद करो, पैसा नहीं है, एक एक मदद नहीं करोगे इंसान मरेगे, ऐसे बोले कि बीमारी फैली है, इनको ले जाओ जला दो फटाफट, ऐसा थोड़ी ना होएगा, फिर ऐसे तो सारे मर जाएंगे हम भूख के मारे। यही ये दिल्ली की कहानी है, तो दूर जो इलाके हैं देश के उनमें उसमें क्या स्थिति होगी, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है।